दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों जैसे कि हम इंग्लिश सेकंड ग्रेड के लिए जो है टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे, सेकंड ग्रेड किसको पढ़ रहे हैं हम? सेकंड ग्रेड के लिए हम पढ़ रहे हैं दोस्तों टीचिंग मेथड, सेकंड ग्रेड इंग्लिश। और हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों टीचिंग मेथड। और टीचिंग मेथड में आज का हमारा टॉपिक क्या है? टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड दोस्तों रीट में भी उपयोगी हैं, और साथ ही साथ ये टॉपिक जो है किसमें उपयोगी है? रीट के अलावा सेकंड ग्रेड में भी। टीचिंग मेथड के अंदर हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोस्तों ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। हमने पीछे जो है इस मेथड के कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनकी बात की है, साथ ही साथ हमने इस मेथड के मेरिट की बात की है, लेकिन आज हम इस मेथड के डीमेरिट्स की बात करेंगे। दोस्तों डीमेरिट्स जो है वो क्या है, डीमेरिट्स, यहां पर आज हम इस मेथड के डीमेरिट्स पढ़ेंगे, यानी कि डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, डीमेरिट्स। ओके, इस मेथड के डीमेरिट्स यानी कि इस मेथड के जो है डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में इस मेथड की जो कमियां हैं वो क्या हैं। पिछले वीडियो में हमने मेथड के मेरिट्स पढ़े थे, इस वीडियो में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि इस मेथड के कमियां क्या हैं। दोस्तों सबसे पहली कमी तो ये है कि दिस मेथड, ये मेथड जो है ना वो डल है। ये मेथड जो है वो डल इसलिए है क्योंकि जो टीचर है वो रूल्स बताता रहता है और बच्चे जो है उन रूल्स को सीधे सीधे क्रेम करते रहते हैं, मतलब रटते रहते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि मेथड जो है ना वो डल है। अगर हम इनके सारे डीमेरिट्स की बात करें दोस्तों तो हम कहते हैं कि सबसे पहला पॉइंट यही आता हमारा कि दिस मेथड इज डल एंड अनइंटरेस्टिंग। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स बिकम ओनली परस्यू लिसनर, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं सिर्फ निष्क्रिय सुनने वाले बने रहते हैं। तो सबसे पहली लाइन यही है कि दिस मेथड, एक एक लाइन आपको याद रखनी है, मैं एक एक लाइन लिखवाता हूं आपको कि दिस मेथड इज डल। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ये मेथड डल है। दिस मेथड इज डल, ये मेथड डल है एंड अनइंटरेस्टिंग, और ये मेथड जो है अनइंटरेस्टिंग भी है। क्यों है डल और अनइंटरेस्टिंग? क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं because students become only passive listener। अब एक बार इसको लिख लेते हैं फिर मैं आपको इस लाइन का अर्थ बताता हूं। यहां पर ये कह रहा है कि दिस मेथड इज डल एंड अनइंटरेस्टिंग, ये मेथड जो है ना वो डल है और अनइंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि इस मेथड में स्टूडेंट्स बिकम ओनली पैसिव लिसनर्स,
पैसिव लिसनर बने रहते हैं। स्टूडेंट मतलब पैसिव का अर्थ होता है दोस्तों निष्क्रिय, एक्टिव का जो ऑपोजिट होता है ना वो पैसिव है, इनएक्टिव कह सकते हैं। पैसिव का मतलब इनएक्टिव, स्टूडेंट्स जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, और टीचर ही सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ पर टीचर ही सब कुछ बताने वाला होता है, ग्रामर के रूल बताता रहता है, बच्चे चुपचाप उसको सुनते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेथड जो है ना वो डल है और अनइंटरेस्टिंग है। क्यों डल और अनइंटरेस्टिंग है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो केवल पैसिव लिसनर्स होते हैं, अर्थात निष्क्रिय होते हैं, चुपचाप जो है बात को सुनते रहते हैं। और ये मेथड जो है, और इस मेथड की और क्या कमी है दोस्तों? अगला पॉइंट ये आता है कि इस मेथड में जो है ना इंग्लिश को रूल के माध्यम से सिखाया जाता है, यूज के माध्यम से नहीं सिखाया जाता। यानी कि इंग्लिश में जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उनके रूल्स ही बताए जाते हैं, उनका यूज नहीं बताया जाता कि जीवन में कहाँ काम आता है ये। इसलिए भी ये मेथड जो है, इस मेथड की ये कमी है या डीमेरिट है। तो हम इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे कि दिस मेथड ट्राइज टू टीच इंग्लिश, दिस मेथड ट्राइज टू टीच इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश बाय रूल्स, बाय रूल एंड नोट बाय यूज, एंड नोट बाय यूज, कि ये मेथड जो है ना इंग्लिश कैसे पढ़ाता है, इस मेथड से इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है? बाय रूल, नोट बाय यूज। यूज कैसे किया जाता है ये नहीं बताया जाता, सिर्फ रूल ही बताए जाते हैं, इसके उपयोग की बात नहीं की जाती है, सीधे से रूल रटाए जाते हैं कि ये नाउन के रूल हैं, ये प्रोनाउन के रूल हैं। तो ये दोस्तों, ये भी इस मेथड की जो है ना एक कमी है। और अगर अगली कमी की बात करें तो जैसे कि LSRW, LSRW होता है, LSRW लैंग्वेज के चार आस्पेक्ट हैं, जिसमें L का अर्थ क्या होता है दोस्तों? L का अर्थ होता है लिसनिंग, L का अर्थ होता है लिसनिंग, और S का अर्थ होता है स्पीकिंग। S का अर्थ क्या होता है? स्पीकिंग। और R का अर्थ होता है दोस्तों रीडिंग, रीडिंग। और W का अर्थ होता है यहाँ पर राइटिंग, W का अर्थ क्या होता है? राइटिंग। तो ये वाला जो मेथड है ना वो लिसनिंग पर भी कोई ध्यान नहीं देता, स्पीकिंग पर भी कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ ध्यान देता है ये मेथड कहाँ पर? रीडिंग और राइटिंग पर। जबकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके चारों एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी होता है, स्ट्रेस देना जरूरी है। ये मेथड जो है ना वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के एस्पेक्ट पर ही जोर देता है, इसलिए ये भी इसकी कमी है कि ये चारों एस्पेक्ट पर जो है जोर नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर ये इस मेथड की कमी मानी जाएगी। और दोस्तों दूसरा, एक साइलेंट रीडिंग होती है, एक मॉडल रीडिंग होती है, एक रैपिड रीडिंग होती है, लाउड रीडिंग होती है, रीडिंग के कुछ प्रकार होते हैं। तो ये वाला जो मेथड है ना वो क्या करता है, किस पर जोर देता है? ये मेथड जो है ना वो नेगलेक्ट करता है किसको? साइलेंट रीडिंग को भी नेगलेक्ट करता है, मॉडल रीडिंग को भी नेगलेक्ट करता है, और रैपिड रीडिंग को भी नेगलेक्ट करता है। रीडिंग पर जोर देता है हालांकि, लेकिन रीडिंग के जो कुछ प्रकार होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं रीडिंग के, उन पर उनको ये नेगलेक्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं, ये चौथा इसका पॉइंट है कि ये मेथड, यानी कि दिस मेथड नेगलेक्ट नेगलेक्ट किस किस को मेथड ये मेथड किस किस चीज को नेगलेक्ट करता है? एक तो ये मॉडल रीडिंग को नेगलेक्ट करता है, मॉडल रीडिंग दोस्तों आदर्श रीडिंग को कहा जाता है, ठीक है, आदर्श पठन को। और किसको नेगलेक्ट करता है दोस्तों? ये जो है रैपिड रीडिंग को भी नेगलेक्ट करता है, रैपिड का मतलब तीव्र, रैपिड रीडिंग को भी ये नजरअंदाज करता है। जो डायरेक्ट मेथड में पढ़ाया जाता है तो उसमें रैपिड रीडिंग की जाती है,
इस मेथड में रैपिड रीडिंग को अलाउ नहीं किया जाता है। और दूसरा जो है साइलेंट रीडिंग भी होती है, एक एक साइलेंट रीडिंग होती है, एक लाउड रीडिंग होती है। तो साइलेंट रीडिंग जो है ना, इसको भी ये नेगलेक्ट करता है, यानी कि ये इन चीजों को नेगलेक्ट करता है, मॉडल रीडिंग को, रैपिड रीडिंग को और साइलेंट रीडिंग को, इन सभी रीडिंग को ये जो है नेगलेक्ट करता है, इसलिए ये भी इस मेथड की एक कमी मानी जाती है। तो हम पढ़ रहे हैं इस मेथड के डीमेरिट्स, तो ये भी इस मेथड का एक डीमेरिट है, अर्थात इसका एक डिसएडवांटेज है। और फिर हम आगे बात करते हैं कि जैसे होल टू पार्ट, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर, जो कि आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो गेस्टाल्टवादियों ने एक सूत्र दिया था पूर्ण से अंश की ओर। हालांकि अंश से पूर्ण की ओर सूत्र तो किसने दिया था, अंश से पूर्ण की ओर सूत्र तो थोंडाइक ने दिया था, लेकिन पूर्ण से अंश की ओर सूत्र दिया था किसने, गेस्टाल्टवादियों ने, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका वगैरह ना। तो जो पूर्ण से अंश की ओर है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं होल टू पार्ट। तो ये जो मेथड है ना, होल टू पार्ट का भी ओपोजिट है, होल टू पार्ट का ओपोजिट है, यानी कि होल टू पार्ट का जो है ना ये विरोधी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस मेथड, अगला इसका जो है डिमेरिट ये है कि दिस मेथड गोज अपोजिट, गोज अपोजिट अपोजिट टू द मैक्सिम्स, टू द मैक्सिम्स। मैक्सिम्स दोस्तों हिंदी में सूक्ति को कहा जाता है, कोई भी सूक्ति होती है ना उसको मैक्सिम्स कहते हैं। तो ये मेथड इस सूक्ति के खिलाफ है, ऑपोजिट है। किस सूक्ति के खिलाफ? तो वो सूक्ति है होल टू पार्ट। सुक्ति कौन सी है? फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, इसका ये ओपोजिट है, इसके ये खिलाफ है, इसलिए ये भी इसका जो है ना एक डिसएडवांटेज है। और इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि इस मेथड के और डिसएडवांटेज में हम कहते हैं कि इस मेथड यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में स्टूडेंट पहले क्या है कि अपनी मदर टंग में सोचता है। हम अगले छठे बिंदु की बात करेंगे यहाँ पर। इसमें क्या करता है कि स्टूडेंट पहले अपनी मदर टंग में सोचता है, फिर माइंड में उसको ट्रांसलेट करता है, फिर इंग्लिश के उस सेंटेंस को बोलने की कोशिश करता है, जो कि सही नहीं है। यानी कि जब हम लोग देखो अभी हिंदी बोल रहे हैं, तो हम कोई अपने दिमाग में संज्ञा सर्वनाम सोच थोड़ी रहे हैं, हम तो जैसे शब्द आ रहे हैं फटाफट उसको बोल रहे हैं। लेकिन इस मेथड से बच्चा अंग्रेजी इसलिए सीख नहीं पाता है क्योंकि वो अपने माइंड में पहले अपनी मदर टंग से ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, और अपने दिमाग में ही नाउन प्रोनाउन का यूज, वर्ब का यूज करना शुरू कर देता है, फिर बोलने की कोशिश करता है, तो फिर वो बोलते समय अटकता है। तो ये भी इस मेथड का जो है ना वो एक डीमेरिट है। तो हम इसको शब्दों में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि द स्टूडेंट थिंक फर्स्ट इन देयर मदर टंग एंड देन ट्रांसलेट देयर थॉट्स। यहां पर स्टूडेंट है, उससे पहले आर्टिकल द है, तो सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इसलिए यहां पर दे रहा है देयर थॉट्स इन टू इंग्लिश। सो दे डू नॉट लर्न
इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज, कुछ भी हम इसको कहते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन क्या है। द स्टूडेंट थिंक फर्स्ट इन देयर मदर टंग। स्टूडेंट सबसे पहले अपनी मदर टंग में सोचता है, एंड देन ट्रांसलेट देयर थॉट्स, फिर अपने विचारों को ट्रांसलेट करता है किसमें, इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। सो दे डू नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पहले तो मदर टंग में ही सोचते हैं सारी बात को, फिर उसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे क्रम में, इस पूरे ऊहापोह में ना, वो अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। उनको अगर अंग्रेजी सीखनी है तो सीधा इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही बोलना है। अपने हिंदी सोच रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं। तो इससे जो है कंफ्यूजन की स्थिति होती है और बच्चा सीखता नहीं है। जबकि डायरेक्ट मेथड जो है ना, अगला मेथड जो हम पढ़ेंगे, उसमें बच्चा इंग्लिश में ही सोचता है और इंग्लिश में ही बताता है। जबकि इसमें पहले वो अपनी मदर टंग में सोचता है, फिर उसका अपने विचारों का ट्रांसलेशन करता है इंग्लिश में, फिर इस तरह की प्रक्रिया में वो अंग्रेजी को नहीं सीख पाता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है। अगले बिंदु की बात करें तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो ये मेथड है ना, इसमें जो ग्रामर के रूल्स हैं, पहले वो सिखाए जाते हैं और फिर जो है ना लैंग्वेज को सिखाई जाती है और शब्द सिखाए जाते हैं, ये मनोवैज्ञानिक तरीके से सही नहीं है। यानी कि ये मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं है। हम कह सकते हैं कि इन दिस मेथड टीचिंग ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर फर्स्ट एंड द लैंग्वेज आफ्टर, पहले तो रूल्स सिखाए जाते हैं फिर भाषा सिखाई जाती है। और ये जो चीज है ना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, इसलिए ये भी इसका एक डीमेरिट है। हम इसको भी शब्दों में ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को नोट्स बनाने हैं, और ट्रू फॉल्स के जो सेंटेंस आते हैं ना, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स के, तो वहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए ये लाइनें आपको लिखनी है नोटबुक में, आपको इसको लर्न भी करना है और अच्छे से नोट्स भी बनाना है। इसलिए मैं सिर्फ मौखिक रूप से आपको चीजें नहीं बता रहा, मैं उस प्रत्येक लाइन को लिख भी रहा हूँ और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। तो सातवां पॉइंट जो हमने समझा वो ये है कि इन दिस मेथड, इन दिस मेथड टीचिंग ऑफ टीचिंग टीचिंग रूल्स ऑफ ग्रामर फर्स्ट, ग्रामर फर्स्ट एंड द लैंग्वेज आफ्टरवर्ड्स, एंड लैंग्वेज लैंग्वेज आफ्टरवर्ड्स आफ्टर वर्ड्स, दिस इज साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली अनसाउंड। अब देखो दोस्तों, इस लाइन का अर्थ क्या है। ये कह रहा है कि इन दिस मेथड टीचिंग रूल्स ऑफ ग्रामर फर्स्ट, कि पहले ग्रामर के रूल्स पढ़ाए जाते हैं एंड लैंग्वेज आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद भाषा सिखाई जाती है। ये चीज जो है ना, वो मनोवैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। दिस इज साइकोलॉजिकल अनसाउंड, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से ये न्याय संगत नहीं है, इससे बच्चा नहीं सीख पाएगा, इसलिए ये सातवां इसका डीमेरिट है। अगले डीमेरिट की बात करें तो दोस्तों, इसमें क्या कहा जाता है आगे, कि इस मेथड में जो है ना, ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है राइटिंग एस्पेक्ट पर और रीडिंग एस्पेक्ट पर। रीडिंग पर भी इतना जोर नहीं दिया जाता, सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है ना, वो राइटिंग एस्पेक्ट पर दिया जाता है, जो कि गलत है। ये इस बिंदु की हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और फिर अगला पॉइंट ये है कि ये मेथड जो है ना, टीचर डोमिनेटेड मेथड है, और इसलिए इसको हम मोनोटोनस मेथड कहेंगे, अर्थात ये नीरस मेथड है। अर्थात इसमें क्यों नीरस है, क्योंकि इसमें टीचर ही सब कुछ होता है, लर्नर जो होते हैं ना, जो सीखने वाले होते हैं, वो सिर्फ पैसिव लर्नर बने रहते हैं, पैसिव होते हैं, मतलब वो इनएक्टिव होते हैं, टीचर ही एक्टिव रहता है सिर्फ। तो इसलिए ये मेथड का डिसएडवांटेज है। हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं कि
दिस मेथड इज अ टीचर डोमिनेटेड, या शॉर्ट में लिख लेते हैं अपने कि ये मेथड जो है ना टीचर डोमिनेटेड है, डोमिनेटेड, टीचर डोमिनेटेड मेथड, टीचर डोमिनेटेड मेथड है ये। और मोनोटोनस है, ये मेथड जो है ना मोनोटोनस है। अब दोस्तों मोनोटोनस, आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो आपको मोनोटोनस का तो पता ही होगा। मोनोटोनस होता है दोस्तों नीरस। ये मेथड जो है ना मोनोटोनस है, और मोनोटोनस सिनोनिम होता है किसका, डल का और अनइंटरेस्टिंग का। तो ये मेथड जो है ना टीचर डोमिनेटेड मेथड है, मतलब टीचर ही सर्वे सर्वा होता है, टीचर ही एक्टिव रहता है, बच्चा जो होता है इनएक्टिव रहता है। और ये मेथड जो है ना मोनोटोनस है, नीरस रहता है। और आगे की अगर हम बात करें तो इसमें, इस मेथड में कभी कभी ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं जिनका ट्रांसलेशन हिंदी में होता ही नहीं है। जैसे कि आप आर्टिकल द की बात करते हैं, हम लोग आर्टिकल द, तो यहाँ पर जो है ना द, द का कोई हिंदी अनुवाद नहीं है, द का हिंदी अनुवाद नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं इसके प्रोनंसिएशन की बात करूं तो इसका प्रोनंसिएशन देखो हम लोग तीन तरीके से करते हैं। कुछ लोग तो इसको द बोलते हैं, कुछ लोग इसको दा बोलते हैं, और कुछ लोग इसको दी बोलते हैं। अब इसका सही प्रोनंसिएशन होता क्या है दोस्तों? इसका प्रोनंसिएशन द भी होता है और दी भी होता है। दा इसका प्रोनंसिएशन कभी नहीं होता। अब द कब होता है और दी कब होता है? देखो टी एच ई के बाद यदि यहां पर कोई वोवल होता है, वोवल, वोवल आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं। वोवल होता है AEIOU, ये वोवल होते हैं। अगर द के बाद में वोवल है ना, तब इस द को क्या बोला जाता है? द, इसको बोला जाता है दी। और अगर टी एच ई के बाद यहां पर कोई कॉन्सोनेंट्स है दोस्तों, वोवल के अलावा कॉन्सोनेंट है ना, फिर इस टी एच ई को क्या बोला जाएगा? द। अब देखो पिक्चर आपने देखी होगी कभी सिनेमा में या कहीं, तो ऐसे लिखा आता है टी एच ई और यहाँ लिखा आता है ई एन डी, तो ऐसे लिखा आता है तो हम क्या बोलते हैं कि पिक्चर दी एंड हो गई, दी एंड। अब हमने इसको दी क्यों बोला? क्योंकि ये वोवल है, वोवल से पहले टी एच ई आएगा तो ये दी कहलाएगा, दी एंड। और अगर यहाँ पर टी एच ई है और यहाँ पर लिखा है हीरो, तो ये हो जाएगा द हीरो। क्या हो जाएगा? द हीरो। ये दा जो होता है ना ये होता ही नहीं है, ये दा कभी नहीं बोलना चाहिए। टी एच ई का प्रोनंसिएशन या तो टी एच ई का प्रोनंसिएशन दी होगा अगर वोवल है उसके बाद, या फिर इसका प्रोनंसिएशन द होगा अगर इसके बाद कॉन्सोनेंट है। तो ये हालांकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब मैं आपको लोगों को, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये बात वहां आएगी। लेकिन फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि ये जो इंग्लिश में टी एच ई आता है ना, इसका कोई ट्रांसलेशन होता ही नहीं है, तो ये भी इस मेथड में ही है, ये भी गलत है। और दूसरा ये है कि सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंस जो है ना वो इस मेथड से पढ़ाए जाते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाए जाते। तो हम 11वें नंबर डीमेरिट्स की बात करते हैं। 11वां नंबर पॉइंट ये कहता है कि इस मेथड में जो है ना सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं। तो पॉइंट कैसे लिखेंगे हम कि ओनली, ओनली ए लिमिटेड, लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कैन बी टॉट, कैन बी टॉट, टॉट बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड। यानी कि 11वां पॉइंट हमारा ये कहता है कि सिर्फ लिमिटेड सेंटेंसेस हैं जो इस मेथड के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ऐसे कि नहीं अनलिमिटेड में, अनलिमिटेड सेंटेंसेस इस मेथड के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों कुछ एक ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है चीजें, वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि जो बच्चे होते हैं वो ट्रांसलेशन ही करते हैं। इसमें सारा खेल किसका होता है? ट्रांसलेशन का। तो जो ट्रांसलेशन है ना
वो बच्चों को जो फ्रीली थिंकिंग है ना उससे बचाता है। मतलब बच्चे फ्री थिंकिंग कर ही नहीं पाते हैं, बच्चे अपनी तरफ से कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, उनको सिर्फ ट्रांसलेशन करना ही होता है। तो ये भी इस मेथड का जो है ना एक डीमेरिट है। और ये सिर्फ बुकिश इंग्लिश की बात करता है, सिर्फ बुकिश इंग्लिश की बात करता है, बच्चे की जो खुद की सोच है ना उसको डेवलप नहीं होने देता ये मेथड। तो इसलिए नहीं लेना होने देता क्योंकि सिर्फ ग्रामर के रूल है, नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, उनका रट्टा मार लो, उन्हीं को सीख लो, कुछ भी अपनी तरफ से बच्चे को कहने बताने का मौका जो है नहीं होता है ये। इसलिए ये मेथड जो है ना इसकी बहुत सारी कमियां हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कुछ अच्छाइयां भी थी, उसके मेरिट भी थे, लाभ भी थे, लेकिन उसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, और डीमेरिट्स मैंने आपको ये बता दिए। लेकिन अभी भी दोस्तों इस मेथड को हम कंप्लीट नहीं कह रहे, अभी भी इस मेथड में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या सजेशन होनी चाहिए, उन सजेशंस की बात करेंगे। और दूसरा, इस मेथड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, अर्थात इस मेथड की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। और इन दो चीजों को करने के बाद हम इस मेथड के क्वेश्चंस पर आएंगे और इसके एमसीक्यू बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए मेरे साथ, आपको मैं प्रॉमिस कर ही चुका हूं कि मैं आपको पूरा सेकेंड ग्रेड का इंग्लिश का पाठ्यक्रम या सिलेबस पूरा करवाऊंगा। लेकिन आप मेरा इतना सा साथ दें कि जो गांव ढाणियों में बैठे हैं भाई बहन छोटे मेरे, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी तैयारी को थोड़ा शार्प करें और वो भी अपने सपनों को साकार करें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं।